जो गाना है आई थिंक दैट ये गाना इस फिल्म का बेटर गाना है. हमको काफ़ी इंसिस्ट किया गया था कि एक गाना कर लो प्रमोशन के लिए, एंड आई केप्ट ऑन सेइंग नो कि इस फिल्म को एक और गाने की ज़रूरत नहीं है प्रमोशन के लिए. फिर जब हमारे दादा प्रीतम दादा ने हमको ये गाना सुनाया, हम थोड़े से ग्रीडी हो गए. और गाना फिल्म के साथ फिट होता है, फिल्म में नहीं है वो, हम बाद में देखेंगे. अगर फिल्म 4-5-6 हफ्ते चल गई तो फिल्म में डालें या ना डालें वो अपन पॉपुलर वोटिंग के ऊपर करेंगे. बट फिलहाल ये गाना आज की रात पार्टी हुई है, सेम थिंग. सो दैट सॉन्ग क्या है, आज की पार्टी मेरी तरफ से. तो ये गाने का टाइटल है आज की पार्टी मेरी तरफ से. ये हमने रिकॉर्ड किया, शूट किया. ये एक बहुत वार्म ह्यूमन रिलेशनशिप की स्टोरी है. इंडो पाकिस्तान जो भी एक है वो सब बैकड्रॉप है. आई थिंक अल्टीमेटली ऑडियंस को वो जो दो कैरेक्टर्स हैं, छोटी बच्ची है और बजरंगी का जो कैरेक्टर है, उनकी कहानी फॉलो करनी पड़ेगी. उनके साथ एक बारी वो अटैच हो जाएं, फिर जो सारा बैकड्रॉप है वो इल कम एज पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग. उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ. आई थिंक अननेसेसरी यू नो स्टीरियोटाइपिंग और जो अलग मुल्कों को अननेसेसरी वल्गर तरीके से उनकी जो बैशिंग होती है उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ. मेरी किसी फिल्म में कभी ऐसा हुआ नहीं है. जैसे हम कह ही रहे हैं कि अगर आपको बैशिंग देखनी है तो ये फिल्म आपके लायक है नहीं, नफरत देखनी है तो ये फिल्म आपके लायक है नहीं. और अपने दोस्तों यारों को भी बोल दो कि अगर नेगेटिविटी देखनी है तो इस फिल्म के थिएटर के इर्द गिर्द भी ना घूमना, क्योंकि मीलों तक आपको वो दिखाई नहीं देगी. Not the Sabri brothers, they've deceased. These are somebody from their family, and if there is any issue, this is a traditional qawwali which was made famous by the Sabri brothers, the late Sabri brothers, and this is a qawwali that both Salman and I have heard since our childhood and loved, and this is our rendition of that qawwali. And if there is any legality issue, I'm sure we'll look after that. I don't think Sabri brothers, you know, this qawwali we've heard since we were children. And I think it's the most beautiful qawwali. And I don't think the people who sung this qawwali and written this qawwali, their family people will do something like this. No, they'll want it to go on and on and on and on. हाँ बिल्कुल. इनफैक्ट ये एक मेन रीज़न था कि हम चाहते थे कि एक हम लंबा 40 दिन का शेड्यूल कश्मीर में करें, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है स्पेशली हमारी इंडस्ट्री से लोग कहते हैं नहीं कश्मीर नहीं जाएंगे, कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम है. कुछ स्पोराटिक इंसिडेंट्स के हेडलाइंस पढ़ के समझते हैं कि कश्मीर जल रहा है अभी तक. जब तक हम वापस नहीं जाएंगे वो नॉर्मल सी वापस नहीं आएगी. तो एक सलमान खान वहाँ जाके 40 दिन शूट कर सकते हैं, देन इट्स अ सिग्नल दैट कोई भी शूट कर सकता है वहाँ. एंड आई होप इस शूटिंग के बाद और फिल्में जाएं, फिल्म देखने के बाद और प्रोड्यूसर्स वहाँ पे जाएं और स्टार्स वहाँ पे जाएं, क्योंकि जिस किस्म का सपोर्ट कश्मीर के लोगों ने हमें दिया वो हमें और कहीं नहीं मिला था. इट वॉज अनबिलीवेबल. गए ही हम वहाँ पे इसलिए थे ताकि वहाँ का जो एक टूरिज्म खुल जाए, एक जो एक मिथ है कश्मीर के बारे में, जो एक बोला जाता है कि आप लोगों ने बहुत कोशिश की है बताने के लिए कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो उसने एक बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डाला है कश्मीर के ऊपर. आपने बोला कि बाढ़ हो रही है वहाँ पर, शूट आउट्स हो रहे हैं वगैरह वगैरह. तो वो एक आध जगह पर वो पिछली बार हुआ था, लेकिन उससे टूरिज़्म बहुत इफ़ेक्ट हुआ है. तो जो आप अच्छाई करने गए वो बैकफायर हुआ है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी. तो हम गए थे इसलिए, हमको भी ऐसा लगा था कि क्या होगा वहाँ पर, लेकिन जब वहाँ पर गए थे तो बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं. आई थिंक पहले एक 8-10 बार तो कश्मीर जाना चाहिए.
एक ये वर्जन है गाने का और एक दूसरा वर्जन भी शूट किया फिल्म के हिसाब से. अभी वो नहीं जाएगा क्योंकि जो फिल्म का की जो एंड है बहुत ही खूबसूरत है. जब आप देख लेंगे फिल्म को उसके बाद जब फिल्म इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी उसके बाद एक नॉवल्टी के हिसाब से वो जो दूसरा जो गाना पिक्चराइज किया है वो हम देखेंगे सोचेंगे ऑन पब्लिक डिमांड के डालें कि नहीं डालें. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.